नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड की खबरों पर। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया बोले, आपके डर से मैदान छोड़ रहे कांग्रेसी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस नेताओं में अभी से हार का डर सताने लगा है। 7-8 फरवरी को होगी उत्तराखंड केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 7 व 8 फरवरी को देहरादून में होगी। इसमें केंद्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रकोष्ठ, जनपद व महानगर अध्यक्ष भाग लेंगे। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देहरादून में कागजों की गड्डी थमाकर पैसे ठगने वाला गिरोह सक्रिय, 2 शातिर दबोचे। कागजों की गड्डी थमाकर पैसे ठगने वाले गिरोह ने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अघोईवाला में इस तरह के मामला सामने आया है। 2 शातिर ठगों ने एक व्यक्ति को कागजों की गड्डी पकड़ा कर 7,000 रुपए ठग लिए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की मुस्तैदी के चलते आरोपियों को दबोच लिया गया है। रुद्रपुर में साइकिल से टक्कर मारकर जेब से उड़ा लिए 70,000, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। रुद्रपुर में एक व्यक्ति को उचक्के ने साइकिल से टक्कर मारकर उलझा दिया और उसकी जेब से 70,000 रुपए उड़ा लिए। जब पीड़ित को घर जाके इस बात का पता चला तो उसने मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने अज्ञात युवकों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहाड़ों की रानी मसूरी, चक्राता और हर्षिल में हुई बर्फबारी। उत्तराखंड में गुरुवार सुबह एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। पहाड़ों में जहां बर्फबारी हुई तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार सुबह बर्फ की हल्की फुहारें पड़ी। वहीं चक्राता में पर्यटकों में भी बर्फबारी से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।